हेलो बच्चों, आज हम लोग नाइट्रो समूह का आईपीसी नाम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप के रूप में उपस्थित होगा तो उसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं। फंक्शनल जो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप वो होता है एन ओ टू, ठीक ना। आर इसको हम लिख सकते हैं आर एन ओ टू, वेयर आर क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है, ठीक ना। तो जब इसका नाम लिखना होगा किसका, नाइट्रो का, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रो समूह उपस्थित होगा उसका नाम अगर लिखना होगा तो सबसे पहले हम उसको नाइट्रो लिखेंगे, उस समूह का ही नाम लिख लेंगे सबसे पहले, और कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अल्केन बना देंगे। क्या बना देंगे? अल्केन। आप फिर दोनों को मिला के क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रो अल्केन। क्या हो जाएगा? नाइट्रो अल्केन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए दिया है CH3NO2, ठीक ना। तो सबसे पहले किसका, इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखेंगे क्या? नाइट्रो। क्या लिखेंगे? नाइट्रो। कितना कार्बन? एक। तो एक कार्बन के लिए अल्केन क्या बनेगा? मेथेन, ठीक ना। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल CH3CH2CH2NO2। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? इसका। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रो। कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 3 है, तो इसका अल्केन क्या बनेगा? प्रोपेन। अगर नाइट्रो समूह बीच में प्रेजेंट होगा तो उसको लोकेंट के साथ लिखेंगे, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है CH3CH2CH CH3 और यहाँ पे दे देता है NO2। तो नियरेस्ट के हिसाब से हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। तो सबसे पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा हमको, किस लोकेंट पे है? 2 पे। हाइफन लगा देंगे, है क्या? नाइट्रो। नाइट्रो लिखेंगे, 1 2 3 4, चार कार्बन है, अल्केन बनाएंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन, यानी हो गया 2 नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक ना।